पॉइंट के वेक्टर्स हैं, और ये क्या होते हैं हमारे लाइन वेक्टर, ये क्या होते हैं हमारे लाइन वेक्टर्स। दोनों, मतलब समझ आया पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है और लाइन वेक्टर का मतलब क्या है। यस सर। अच्छा अब एक और बारी मतलब समझते हैं, अगर हमने बोला ए के पॉइंट है 1 2 1 और बी के है 3 -4 और 1, सही है। अब पोजीशन वेक्टर ए के बता क्या होते हैं, सर इसका होगा 1i कैप प्लस 2kj कैप प्लस 1ik कैप। अच्छा वाई एक्सिस के, ये बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे जल्दी बता दे। सर 3i कैप -4j कैप प्लस k कैप। प्लस के क्या, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे, जेड एक्सिस के अलोंग के। के अब ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बी माइनस माइनस पोजीशन फोर वेक्टर ऑफ ए, ए। सही है। यस सर। बी के वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, 3i, हाँ -6i -6j हाँ प्लस 0 कोई डाउट है अभी तक। ए बी नो वेक्टर सर। लाइन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस समझ आ गया। यस सर आ गया सर। चल अब वेक्टर होता क्या है, जिसकी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, यही होता है ना, पढ़ा होगा ना 10th में। ए वेक्टर, वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन। डायरेक्शन अब डायरेक्शन, डायरेक्शन जो देता है वो आई जे और के देते हैं, क्या देते हैं डायरेक्शन, आई कैप जे कैप और के कैप, क्या देते हैं। डायरेक्शन अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो चीज देते हैं। अगर मैंने बोला ए बी वेक्टर, ठीक है दोबारा बोलते हैं, ए के हमने पॉइंट बोले 1 3 1 और बी के पॉइंट बोले 2 4 3, बताएगा ए बी वेक्टर क्या आया, सर। डायरेक्ट ए बी बोल दे टू वेक्टर माइनस वन इंटू 2 -1 सर। आई कैप, सर आगे जे आई कैप जे कैप और 3 -1 प्लस टू के टू कैप, कोई डाउट है। नो सर। अब ए बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इसका डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है दोनों के बीच का, डिस्टेंस तो आई का ओफिट क्या है जल्दी बताओ, आई का कोफिन क्या है बच्चे, आई के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, सर। वन कुणाल बच्चे बोलोगे 1 सर का वन स्क्वायर, और जे के साथ क्या लिखा है, जे के साथ भी वन का 1, और स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, टू का होल और के स्क्वायर साथ क्या लिखा है, सर तो टू। दिस इज इक्वल टू रूट, ये बात समझ आ गई। लेंथ का यस मतलब सर। समझ आ गया, लेंथ क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले यस से सर निकालेगा यही चीज आएगी दोनों का ए बी, है ना। दोबारा से बोल ओके देते हैं सर। लेंथ निकालने के लिए, ए ए पोजीशन वेक्टर दे रखा है 1 3 2 और बी दे रखा है 2 4 1, ठीक है सही यस सर। है। अब ए यस बी सर। वेक्टर जल्दी से बोल दे क्या आएगा, सर आई कैप प्लस जे कैप -k कैप। ए बी वेक्टर की लेंथ कितनी आई जल्दी बोल, इसको डिनोट देख लेना कैसे कर रहे हैं। √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट √3 थ्री सर। आपकी बात समझ आ गई, यस सर। कोई डाउट, नो सर। यानी इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, √3। ये बात समझ आ गई, ठीक यस सर। है। अब अगर मैं बोलता हूं इस यूनिट वेक्टर निकाल लो, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग AB ए बी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर क्या है जल्दी बताओ, ए बी वेक्टर आया है आई कैप प्लस जे कैप -k कैप इसकी लेंथ क्या है, √3। अगर इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सर डिवाइड बाय √3।
तो यूनिट वेक्टर हो गया कि नहीं, ऊपर की लेंथ 1 है, नीचे रूट 3 से डिवाइड हो रहा है, तो एक लेंथ 1 आ जाएगी। यस सर। तो इसके साथ प्लस माइनस लगा लेना, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, ये दोनों चीज। अब ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब एक बच्चे से और पूछते हैं, श्रुतिका यस सर। एक लाइन वेक्टर दे रखा आई प्लस 2j+3k, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग, ए बोलो ए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बताओ। √1 + 4 + 9। तो ये कितना हो गया, √14। √14। यस सर। ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया, आई प्लस 2j+3k प्लस डिवाइड थ्री बाय के डिवाइड रूट बाय रूट फोर्टीन फोर्टीन फॉर्मूला। ये बात समझ आ यूनिट गई, वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है। यस कोई सर। डाउट तो नहीं है यूनिट वेक्टर में, सही है। नो सर। यस सर। चलो एक ये बात समझ आ गई कि वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। कोई डाउट तो नहीं। नो सर। अब रिजल्टेंट ऑफ आ वेक्टर। अब कुछ चीजें और देखते हैं। कुणाल तुम ही बोलो क्योंकि तुमने फिजिक्स में बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा, एक बार देख। यस सर। हाँ तुम बोल लो। कुणाल देखो, ये एक वेक्टर ए है, समझ आ रहा है। इसकी डायरेक्शन मैंने एरो से डिनोट कर। यस सर। अब दूसरा वेक्टर जो है मैंने ये बना दिया BC, ये B वेक्टर बना। कोई डाउट है। नो सर। अच्छा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं कि नहीं। यस सर। अब अगर इसका रिजल्टेंट बनाना है, क्या बनाना है, रिजल्टेंट पहले की फर्स्ट की टेल, टेल ए है यस सर। और लास्ट का हेड क्या है। हाँ फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड। सी होगा। यस सर। इन दोनों को ज्वाइन कर और डायरेक्शन ये दे, डायरेक्शन क्या दे दो, अपोजिट दे दो। इन दोनों की तो सेम डायरेक्शन है, इसकी क्या कर दी, इनको अपोजिट कर अपोज कर दिया दे। सर। ठीक है, तो अगर इसको सी वेक्टर लिखता हूं तो सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट ये क्या। कोई डाउट है। ओके सर। नो सर। एक और देखते हैं। कुणाल देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। सर सबसे फर्स्ट की टेल सर जो ए है सर, पॉइंट ए, और लास्ट का हेड जो पॉइंट डी है हाँ सर, बोल। उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और जितने भी वेक्टर्स की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे सर। ये बात समझ आ गई। यस सर। चल एक और चीज देखते हैं। अब देख कुणाल, अगर ये वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए। अच्छा अब इसके पैरेलल वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या दी है मैंने, और लेंथ अपोजिट सेम है, अपोजिट लेंथ क्या है, लेंथ सेम बस अपोजिट है, तो इसको क्या डिनोट करेंगे। माइनस ए वेक्टर। बात समझ आ गई। बार फिर से बताओगे सर ये पैरेलल वाला एक बार। ये वेक्टर की डायरेक्शन समझ आ गई यस सर। और इसके नीचे वाले की डायरेक्शन समझ आई, अपोजिट है कि नहीं। है सर। तो अगर ये इधर जा रहा है तो ये इसे अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है सर। अगर इसको पॉजिटिव मानता हूं तो इसको क्या मानूंगा। बात नेगेटिव। समझ आ गई, पर सर ये यानी पैरेलल होने इन चाहिए दो ना पहले। पैरेलल तो होने चाहिए। इन ओके दोनों में सर। फर्क क्या है कि दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइंस। डायरेक्शन। अच्छा अब कुणाल एक चीज बोल, जैसे अगर मैंने ये बोला और एक ये बोला, ठीक है, यस सर। अब बता इसका रिजल्टेंट क्या होगा। पहले की टेल क्या है सर पहले की टेल तो ए है सर, और लास्ट का हेड क्या है, सी। सी थोड़ी ना।
तो ए ही तीन हो गया वेक्टर ना। से ना देख, यही हो गया ना, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया सर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर तीनों सेम डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हुआ? मस्ट बी जीरो। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा एक और देखते हैं, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सही है? ओके सर। रिजल्टेंट क्या होगा, जल्दी बता। सर रिजल्टेंट होगा सर, अगर इसे हम सी वेक्टर ले, सर जीरो होगा सर ये इसका। मान लूंगा ना रिजल्टेंट नहीं, मैंने ये डायरेक्शन ले लिया, डी वन वेक्टर किसके बराबर होगा? ए हाँ वेक्टर सर प्लस अपोजिट बी हो गई वेक्टर सी के बराबर होगा, क्या वेक्टर। हाँ सर होगा? यस सर। अच्छा अब दूसरी बात सुनिए, ये इसके ये ए बी है ना, ए बी हाँ सर। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, कोई डाउट है? नो सर। ये भी लेंथ क्या होगी, ये भी ए वेक्टर होगा, सेम डायरेक्शन है? माइनस ए। नहीं अपोजिट डायरेक्शन थोड़ी ना किए मैंने, ठीक ओके ओके अच्छा सर। है? और ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? क्या होगा सर ये? बी वेक्टर हाँ इसके सर पैरेलल है ना। यस सर यस सर। अब ये देख, अगर मैं इसको देखता हूँ, इसको किसको बोल रहा हूँ, डी टू वेक्टर, किसको? डी टू वेक्टर। अच्छा डी टू, अब ये देखियो, ए वेक्टर और डी टू वेक्टर किस डायरेक्शन में? सर ऑपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली नहीं डायरेक्शन। नहीं सर सेम डायरेक्शन है सर। सेम डायरेक्शन। और ये बी क्या कर रहा है, उसे सर बी अपोज उसे कर रहा है करे। कि नहीं? हाँ सर। बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस डी टू होगा, डी टू वेक्टर होगा, यस सर। तो डी टू वेक्टर किसके बराबर आ गया? ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस माइनस ए ए वेक्टर, वेक्टर। कोई डाउट है? नो सर। तो अगर मैं पैरेललोग्राम में पूछता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, क्या बोलोगे? ये होगा डी वन और सर। डी टू ही होंगे ना, यस सर। तो डी वन वेक्टर किसके बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और डी टू वेक्टर किसके बराबर होगा, कोई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। डाउट है? नो सर। ये बात समझ आ गई, डायगोनल वेक्टर और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, दोबारा बोल। डायगनल वेक्टर्स होते हैं सर। डी वन होता है सर हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और डी टू वेक्टर होता है सर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा दो वेक्टर्स देख, एक वेक्टर ए दे रखा है लाइन वेक्टर, एक वेक्टर बी दे रखा है, ये यस सर। 2i प्लस j प्लस k, और बी वेक्टर दे रखा है i माइनस 2j माइनस 2k, कोई डाउट है? नो सर। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकता है, हाँ या ना? यस सर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल क्या आएगा? सर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। चल बी का मैग्नीट्यूड बोल, 1 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? रूट 6 उसका रूट 9। कोई डाउट? नो सर। अच्छा अब एंगल देख ले, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाल, क्या निकालने हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? आई का ऑफेंट क्या है ऊपर टू और नीचे क्या है? वन 2 into 1। जे का कोफिशिएंट क्या है? सर। 1 into 3rd -2 बोल। +1 × -2 अब ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, √6 बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 3। 9, वही चीज। आंसर क्या आ गया? -2/9 से 54 सॉल्व कर ले,
ये बात समझ आ गई दोनों के बीच में एंगल कितना है cos थीटा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब एक और देखते हैं एंगल। मेरा ए वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर है i माइनस j प्लस k। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। बोले ए का मैग्नीट्यूड कितना है? सर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाँ ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड क्या है जल्दी बोल। सर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3। अब कॉस थीटा बोल जल्दी से। तो 1 into 1 प्लस 2 into -1 प्लस 3 into 1 डिवाइडेड बाय रूट 14 into √3। तो कितना आ गया? सर 2/42। ठीक है। यस सर। अच्छा अब एक चीज बता, ए वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 4j प्लस 6k। ये समझ आ गई बात? ए और बी वेक्टर। अच्छा yes. अब ये बता, मैं ये लिखता हूँ बी वेक्टर, ये देख। अब दोनों वेक्टर्स के बारे में पूछा क्या है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 times i प्लस 2j प्लस 3k बी वेक्टर को। हाँ यस सर लिख सकते हैं सर। अगर ये a वेक्टर है और ये कितना हो गया, 2a वेक्टर हो गया कि नहीं? हाँ हो गया सर। तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, पैरेलल है। ठीक है, बट दूसरे का मैग्नीट्यूड किसके बराबर पहले से कितना है? सर 2 times ज्यादा है। बस 2 times, 2 times ज्यादा नहीं, 2 times है। अच्छा उसके कंपैरिजन में 2 times है। 2 times। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अब दो चीजें देखते हैं। अगर मैंने बोला a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और b वेक्टर है 4i प्लस xj प्लस 8k, सही है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा x का मोमेंट क्या है जल्दी बोल, i का मोमेंट सर 2 और नीचे सर 4 ऊपर क्या है 3x और 4 8। समझ सर आई ये बात? क्यों किया हमने सर? ये पैरेलल थे ना, यानी कॉमन आना चाहिए ना इसमें से कुछ। हाँ जी सर। तो अगर तो रेशियो सेम आ जाएगा तो इसका मतलब कॉमन आ जाएगी ना वो चीज। हाँ सर समझ गया सर। तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/x, x इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अगर ये 6 होता तो वेक्टर क्या बनता? सर 4i प्लस 6j प्लस 8k। 2 times हो जाता कि नहीं? यस सर। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते सर पैरेलल। कोई डाउट है? कोई डाउट है कुणाल? नो सर। अच्छा अब ये दोनों परपेंडिकुलर कब हो, कब क्या बोला मैंने? सर जब ये दोनों परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में ए का मैग्नीट्यूड कितना है जल्दी बताओ। सर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 29। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ना, अभी इसके बारे में बोल, अच्छा, इसको छोड़ दे। ये क्वेश्चन कुछ और था और अब दूसरा है। अब दोनों के बीच में एंगल निकालते हैं, कॉस थीटा का आंसर बोल कितना आएगा? सर 2 into 4 प्लस 3 into x प्लस 4 into 8 डिवाइडेड बाय जो सर इनका मैग्नीट्यूड है। सही है। अब कॉस थीटा कितना होगा? कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। 3x प्लस 40 = 0, x = -40/3 होना चाहिए जब ये परपेंडिकुलर।